हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने ऑडियो चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालने के लिए सीखेंगे। तो आज का सेशन हम लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग जो है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो वैसे ही फर्स्ट नंबर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट नंबर यूज करेंगे, सेकेंड नंबर यहाँ पे आएंगे और थर्ड नंबर में हम लोग यहाँ पे आएंगे और थर्ड नंबर में जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग हमेशा थर्ड नंबर में हमेशा डिवाइड करेंगे और ऊपर चला जाएगा फोर्थ नंबर। जैसा हम सीक्वेंस बता रहे हैं उसी टाइप से इसको बनाइएगा तो इजी बनेगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या करेंगे, और एक आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स ये कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर है 2x2, तो 1 0 0 1, ये हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लोग को दे के रखा हुआ है ए मैट्रिक्स, ओके। ए मैट्रिक्स हम लोग को दे के रखा है 1 -1, यहाँ पे होगा 2 एंड ये कितना होगा, ये होगा 3, ठीक है। चलिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाई यूजिंग क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अब यहां तक जब आ गए तो हम लोग का एक फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए इक्वल टू आई डॉट ए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम लोग को दे के रखा हुआ है ए मैट्रिक्स, उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 1 -1, रेंज कितना का 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू आई। तो आई के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आई के जगह पे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को लिखने वाले हैं। कौन सा ऑर्डर है, ये ऑर्डर है 2x2, तो 1 0 0 1 इसका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग ए को ही लिखेंगे, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और एक बात यहाँ पे समझिए, चलिए अब यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसी के जैसा इस ए मैट्रिक्स को भी क्या करना है, बनाना है। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है इसको किसके जैसा बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स के जैसा बनाना है, यानी कि 1 0 0 1 के जैसा बनाना है। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे पहला नंबर, हम पहला नंबर में यहाँ पे बोले थे ना, ये है पहला नंबर, तो देखिए पहला नंबर में यहाँ पे 1 बना हुआ है तो इस पे हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे। अब किस में जाएंगे, हम लोग दूसरा नंबर में जाएंगे, तो दूसरा नंबर में हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 1 होता है, तो दूसरा नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। आई बात समझ में, और हमेशा यहाँ पे रो में काम कीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा भाई, तो देखिए ये है R2 यानी कि दूसरा रो है, ठीक है, ये क्या है R2 है यानी कि दूसरा रो है। अगर हम इस दूसरा रो को, ठीक है, सेकेंड रो को अगर हम पहला रो के साथ में यानी कि 1 के साथ में 2 का गुना करेंगे और ये घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 0। अब ध्यान से इस बात को सुनिए, ठीक है, ये है सेकेंड रो, ये कितना 0 है, सॉरी ये 2 है। अगर इस 2 को हम पहला रो के साथ में 2 का गुना करके घटा देंगे तो ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा ना। तो देखिए पहला रो में यहाँ पे हम लोग का कुछ भी काम नहीं है,
तो पहला रो में हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और दूसरा रो में देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, दूसरा रो में यहाँ पे बन जाएगा आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका दूसरा रो है, तो दूसरा रो यहाँ पे कितना है, तीन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग तीन माइनस दो से गुना करेंगे पहला रो को, तो रो पहला रो कितना है यहाँ पे है माइनस वन, तो कितना होगा माइनस दो और माइनस एक कितना होता है, गुना में करते हैं तो दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़, तो ये बन जाएगा कितना हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा पाँच। तो ये यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना बन जाता है, ये बन जाएगा पाँच, और इधर से कितना बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट रो का कुछ भी काम नहीं है, तो फर्स्ट रो को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। सेकंड रो में जाइए, तो सेकंड रो में काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो सेकंड रो में देखिए कितना है जीरो है यहाँ पे, जीरो जीरो माइनस कितना से गुना करना है दो से, कौन सा को आर वन को, आर वन कितना है यहाँ पे, आर वन है यानी कि एक, यानी कि कितना बन जाएगा माइनस का दो, यानी कि यहाँ पे बनेगा माइनस का दो। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आर टू में कितना है दो, सॉरी एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर टू मतलब एक माइनस दो गुना आर वन, आर वन में कितना है जीरो, तो जीरो माइनस टू कितना बन जाएगा वन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग के सामने वन जीरो जीरो वन लाना है, तो देखिए यहाँ पे अब थर्ड नंबर में जाएंगे, अब चलिएगा कहाँ पे, अब चलेंगे हम लोग, देखिए धीरे ही बना रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चलते हम लोग थ्री नंबर में। तो थ्री नंबर में क्या करना होता है, हमेशा क्या करेंगे वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा थ्री नंबर में, तो डिवाइड कीजिएगा। चलिए तो ये आर कितना है टू है, आर ये तीसरा नंबर में, आर सेकेंड है ना भाई, तो ये आर सेकेंड है, तो आर सेकेंड को यानी दूसरा रो को कितना से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे पाँच से डिवाइड। तो देखिए इसको जब पाँच से हम लोग यहाँ पे जैसे ही डिवाइड कर देंगे, तो पहला रो में तो कुछ काम नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरा रो में पाँच से डिवाइड कीजिए तो ये जीरो बनेगा यहाँ से, और पाँच से डिवाइड कीजिएगा तो ये वन बनेगा, आपको दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब ये पहला रो में कुछ काम नहीं है, तो इसको लिख देते हैं, और दूसरा रो में देखिए पाँच से डिवाइड करना है, तो माइनस दो बट्टा कितना बनेगा पाँच, इसको वन बनाने के लिए पाँच से डिवाइड किए हैं, बाद बाकी जो होना है होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया बात, हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। चलिए आप लोगों को सुविधा के लिए, कितना कितना था वन वन वन, सॉरी देखिए यहाँ पर भी वन था, यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन था, बहुत ही बेसिक जानकारी देने का हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो माइनस दो बट्टा पाँच, और यहाँ कितना हो जाएगा एक बट्टा पाँच इंटू कितना हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे वन हो चुका है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा। अब चौथा नंबर में है ना, देखिए तीसरा नंबर तक काम हो गया, अब चौथा नंबर में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चौथा नंबर में क्या काम करना होगा, जीरो लाना पड़ेगा ना, इसको जीरो लाना होगा ना, हम क्या बोलते थे वन जीरो जीरो वन के जैसा काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वन आ चुका है, जीरो आ चुका है, वन आ चुका है, यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा। तो जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, रो में यानी कि पहला रो को दूसरा रो के साथ में जोड़ दीजिए, यानी कि आर वन, आर वन प्लस कितना हो जाएगा आर टू, ठीक है, आर वन और आर टू को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, यानी कि आर वन और आर टू को जोड़ दीजिए तो जीरो बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टू में कुछ काम नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आर वन में देखिए आर वन जोड़ आर टू यानी आर वन जोड़ आर टू, तो एक जोड़ जीरो कितना बनेगा एक, और यहाँ पे माइनस वन जोड़ एक कितना बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा जीरो इक्वल टू, यहाँ से देखिए आर वन जोड़ आर टू यानी कितना होगा एक माइनस दो बट्टा पाँच, तो ये कितना बनेगा तीन बट्टा पाँच यहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा ये तीन बट्टा पाँच बनेगा, ठीक है। और आर टू में तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक बट्टा पाँच एक बट्टा पाँच, ठीक है। और यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए इसको जीरो और एक बट्टा पाँच को जोड़िए तो कितना बनेगा एक बट्टा पाँच ही बनेगा, और ये हो गया ए। तो ये हो जाता है हम लोग का ए इनवर्स बराबर फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आएगा तीन बट्टा पाँच एक बट्टा पाँच माइनस दो बट्टा पाँच एक बट्टा पाँच, ये हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये आंसर सही है कैसे माने, ठीक है, ये आंसर सही है कैसे माने,
तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं, अगर ए इनवर्स इंटू ए अगर आई के बराबर आता है तो ये आपका आंसर सही है। तो ए इनवर्स कितना आया भाई, ये आया 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और यहाँ से 1/5, ठीक है, इंटू ए, ए कितना था हम लोग के सामने में, 1, 1, 2, 3, यहाँ से था 1 माइनस 1 और यहाँ से होगा 2 और ये 3, इक्वल टू आई लाना है, आई यानी कि 1001 लाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इंटू कर देते हैं, तो -3/5 × 1, ठीक है, -3/5 × 1 तो इतना ही होगा ना, और यहाँ से 2/, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2, यहाँ से देखिएगा, जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ से 2 × 2/5 यानी कि 2/5, ठीक है, यहाँ से अब पहला का हो गया, सेकंड के लिए तो -3/5 × -1 तो -3/ कितना हो जाएगा 5, और जोड़िए यहाँ से 1/5 × 3 को गुना कीजिए तो 3/5, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का इनटू हो गया, सेकंड रो में चलिए तो -2/5 को 1 से गुना कीजिए तो -2/ कितना होगा 5 हो जाएगा, जोड़ यहाँ से कीजिए 2 से गुना कीजिए इसको तो 2/5, तो गुना तो आता है आप लोग को, चलिए यहाँ से हो गया, अब इसको चलिए तो -2/5 × 1 - 1/5 तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 से गुना कीजिए जोड़ के तो 3/, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाता है ये 1001, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग तो 3, 2, 5, 5/5, 1, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 1, तो देखिए यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया, भले वीडियो लंबा बने लेकिन ये समझ में आना चाहिए, आई बात समझ में। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत आराम से बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आई डॉट ए, तो ए इक्वल टू हम लोग के सामने में आप कितना आ जाएगा 2, 1, 1, 1, ओके, इक्वल टू आई का मतलब कितना आ जाएगा 1, 0, 0, 1, ठीक है, ए का मतलब ए, देखिए फर्स्ट नंबर कहाँ पे जाना है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे, सेकंड नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ पे, चौथा नंबर यहाँ पे, और तीसरा नंबर में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे भाग करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 है इसको 1 बनाना है, ठीक है, इसको ए को यूनिट मैट्रिक्स के जैसा यहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 है तो अगर हम लोग R1, ये R1 है ना, ये पहला आ रहा है, अगर R1 को अगर R2 के साथ में माइनस कर देंगे, यानी कि 2 को 1 के साथ में माइनस करेंगे, तो ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा ना, तो यही काम हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं। अगर ये वाला बात समझ गए तो आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखिए 2 - 1 कितना बनेगा 1, लेकिन ये R1 में काम कर रहे हैं ना, R2 में आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, इस बहुत सावधानी घटी, देखिए घाटी से गुजरते हुए लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही है, ठीक है। चलिए बिंदास तरीके से बनाई हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R1 कितना है यहाँ पे, R1 कितना है, देखिए ये वाला हम लोग का काम खत्म हो गया, तो R1 यहाँ पे कितना है, R1 है 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा R2 यानी कि 1 माइनस कर दीजिए तो ये क्या बना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, आई बात समझ में, ये 0 बन गया यहाँ पे। R1 में हम लोग काम किए, R2 में काम नहीं करना है, तो R2 में हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, R1 में काम किए, ध्यान से देखिए R1 - R2 यानी 1 - 0 कितना बनेगा 1, यहाँ से देखिएगा R1 यानी कि और R1 है 0 - R2 यानी कि 1 कितना होगा -1, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब हम लोग के सामने में क्या आ गया, देखिए 1, 0, 0, 1, 1, देखिए 1, 0, 0, 1 यानी कि हम लोग को फर्स्ट नंबर काम हो गया हम लोग का। अब सेकंड नंबर में जाइए तो सेकंड नंबर में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और सेकंड नंबर हम लोग के सामने में ये है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लाना है हम लोग को, लाना है 0 लाना है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स की तरह, तो कैसे काम करेंगे आप ये लोग बताइए, तो R2 को
आर टू को अगर आर वन के साथ में माइनस करेंगे तो ये जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, वन को अगर वन के साथ में माइनस करेंगे तो ये जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही लोग बताइए। आर टू है ना, आर टू तो ये वाला है, आर वन के साथ में माइनस कर दीजिए तो जीरो बनेगा ना, तो आर वन में तो कुछ काम धंधा कर नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। आर टू, आर टू कितना है, आर टू है वन, ठीक है, देखिए यहाँ से वन माइनस आर वन कितना है, आर वन है वन, तो कितना आया, जीरो आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चलिए आर टू, आर टू कितना है, वन है, माइनस आर वन कितना है, जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन, वन जीरो जीरो वन बन गया। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन तो बनता हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा, आर टू, आर टू मतलब कितना, जीरो माइनस आर वन, तो जीरो माइनस आर वन, देखिए आर वन में कुछ काम नहीं है तो इस सबको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आर टू, आर टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए वन माइनस आर वन यानी कि माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दो, ठीक है। आइए बस समझ में ना, आर टू कितना था यहाँ पे, आर टू था हम लोग का वन माइनस, ठीक है, आर वन कितना हो गया, आर वन हो गया देखिए यहाँ पे माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये दो, आई बस समझ में, और यहाँ से हो गया ए। तो देखिए ए इनवर्स कितना निकल के आ गया, ए इनवर्स हम लोग के सामने में निकल के आ गया वन माइनस वन माइनस वन, और ये हो जाएगा दो, यही हो जाता है ये आंसर। अब बोलिएगा सर चेक करके दिखाइए, तो भाई चेक करके भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, चेक। तो क्या होना चाहिए, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आई आना चाहिए, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, वन माइनस वन माइनस वन, और यहाँ से टू इंटू ए, ए कितना हम लोग सामने में, ए है टू वन वन वन, ठीक है, इक्वल टू आई, आई में कितना होता है, वन जीरो जीरो वन होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसी जगह पर इसको साबित करके दिखा रहे हैं, तो देखिए इसको गुना कीजिए, तो वन इंटू टू, ठीक है, वन इंटू टू तो कितना होगा, टू, ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन इंटू वन, तो कितना होगा, माइनस का वन, हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से कितना होगा, इसके साथ में तो इंटू हो गया, माइनस वन इंटू वन वन, ठीक है, सॉरी वन इंटू वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू वन तो माइनस का वन, आई बात समझ में। चलिए दोनों का इंटू हो गया, अब देखिए माइनस वन इंटू टू तो कितना होगा, माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से टू इंटू वन तो प्लस का टू हो जाएगा, सभी को इंटू करने तो आता है, इतना सा मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए माइनस वन इंटू वन तो कितना हो जाएगा, माइनस का वन, और ये टू इंटू वन कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा टू, और इक्वल टू में इधर कितना हो जाएगा, वन जीरो जीरो वन, ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। देखिए यहाँ से वन टू में वन गया तो वन, यहाँ से कितना होगा, जीरो हो गया, यहाँ से कितना होगा, जीरो हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, दो में गया तो एक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने वन जीरो जीरो वन आ चुका है, यही हो गया आपका वेरीफाई। आपको दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे कैसे बनाते, देखिए चुटकियों बनाएंगे अभी हम लोग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू कितना देकर रखा हुआ है, a इक्वल टू दिया वन थ्री, जो ट्रिक्स बताए हैं इसी से बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब क्या करेंगे, यूजिंग यूजिंग एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आई डॉट ए, ठीक है, a इक्वल टू क्या होगा, आई डॉट ए, ठीक है, इतना तो बात समझ में आता है आप लोगों को भी। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग कायम रखते हैं और बनाते हैं, तो मैट्रिक्स a यहाँ से कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स a होगा वन थ्री टू और ये सेवन, ठीक है, इक्वल टू i हम लोग को कितना जानते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है तो वन जीरो जीरो वन टू बाई टू ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ए। अब आप ही लोग यहाँ से हमको बताइए कि पहला नंबर हम लोग कहाँ जाते हैं, वन नंबर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और तीसरा में जैसे ही क्या है वहाँ पे भाग कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में, वन में तो जीरो बना हुआ है, अब इस ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के जैसा इसको यहाँ पर बनाना है,
तो 1001 के जैसा इसको बनाना है 1327 को, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कितना बना है, एक बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे। तो हम लोग किस में काम करेंगे, आर सेकंड में काम करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर में काम करेंगे। तो जैसे ही सेकंड नंबर में काम करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टू ये कितना है, आर टू है ना ये, ठीक है। तो आर अगर आर टू को, ठीक है, आर वन के साथ में माइन आर वन के साथ में अगर हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, कितना गुना करके, दो के साथ में गुना करके, देखिए ये दो है, यहाँ पे लाना है जीरो, तो यहाँ पे जीरो कैसे लगेगा, तो दो को यानी आर टू को अगर आर वन के साथ में दो से गुना करके माइनस कर देते हैं, यानी कि एक को दो से गुना कीजिए और आर टू के साथ में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। आई बात समझ में, अगर ये बात समझ में आता है आप लोगों को, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। चलिए, तो R2 में काम है, तो R1 को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऐसे ही, ठीक है। तो R2 देखिए, R2 कितना है, यहाँ पे है दो है, माइनस यहाँ पे 2 into R1, R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा यहाँ पे एक, तो दो माइनस दो कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब R2 कितना है, 7 माइनस R2 कि हाँ यहाँ पे R2 7 हो गया, उसके बाद माइनस 2 into R1, R1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, तो 7 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग के सामने में 1, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए R1 में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं R2 में, तो R2 का यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाए, तो R2 यानी कि 0 माइनस 2 R1, R1 में कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब आते हैं इसमें किस में, 1 में, तो R2 कितना है, R2 है 1 माइनस 2 R1, R1 मतलब कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, into I, यहाँ तो सीमा के बाद। चलिए दूसरा नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं, अब आते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में 1001 यहाँ पे ऑलरेडी 1 है देखिए, तो इसमें हम लोग काम नहीं करेंगे, ये तीसरा में हम लोग काम इसको नहीं करने वाले हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसको जीरो बनाने वाले हैं, किसको, ये 3 को जीरो बनाने वाले हैं, क्योंकि 1, 2 दूसरा नंबर में काम कर चुके हैं, तीसरा नंबर को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और 1 ही बनाना था, ठीक है। तो चौथा नंबर में जाइए, चौथा नंबर में कितना है, 3 है, इसको बनाना है 0। अब दिमाग लगाइए कि रो में, दिमाग लगाइए रो में, ठीक है, ये है हम लोग का R1, ये हम लोग का कितना है, R1 है। अगर हम लोग R1 में, ठीक है, घटाते हैं किसको, R2 को, अगर 3R2 करते हैं, R2 ये वाला है, अगर 3 से गुना करके R1 के साथ में इसको घटा देते हैं, तो क्या मेरा R1 जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा ना। यही चीज आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम लोग काम, तो R1 में काम है, तो R2 का यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, कुछ काम नहीं इसका। तो R1 कितना है, R1 है 1, ठीक है, तो 1 माइनस 3R2 यानी कि 3 into 0, तो यहाँ पे होगा हम लोग का 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना है, R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 माइनस 3R2 यानी कि 3 into 1, तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 0, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए R1 में यहाँ पे काम हम लोग का है, तो R2 वाले को कुछ नहीं करना है, R2 वाले को जस का तस हम लोग को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग R1 में, तो R1 ध्यान से देखिएगा, R1 कितना है 1 माइनस 3R2, तो देखिए यहाँ पे कितना है माइनस 2 into 3, तो माइनस 2 into 3, 3 × 2 = 6, और एक कितना बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हम लोग के सामने में 7, दिक्कत यहाँ तक, नहीं ना। और हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा हम लोग का माइनस का 2, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है, ये R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3 into R2, R2 मतलब कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का A, तो A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हम लोग के सामने में हो जाएगा 7 3 - 2, और ये 1, आई बात समझ में।
इस तरीके से हम लोग का ये आंसर आ गया है बस में। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह का वीडियो को आसानी से लेते लाएंगे, ठीक है। तो जब भी वीडियो हम लोग डालेंगे, जब भी नहीं रेगुलर वीडियो आता है तो आपके सामने में सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।